हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। देश में घटिया सामान की नो एंट्री, अगले 6 महीनों में सरकार जारी करेगी 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश। देश में घटिया साजो सामान की एंट्री बैन करने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार अगले 6 महीनों में एल्युमिनियम, तांबे की वस्तुओं और बिजली के घरेलू उपकरणों जैसे उत्पादों के लिए 58 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि घटिया सामान पर रोक लगाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। DPIIT में संयुक्त सचिव संजीव ने बताया कि 1987 से केवल 34 QCO जारी किए गए हैं, लेकिन अब अगले 6 महीनों में 58 QCO जारी किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य घटिया सामान के आयात को रोकना और ये मानदंड अनिवार्य होंगे घरेलू और विदेशी दोनों तरह की पार्टियों के लिए। सड़कों पर गाड़ी चलाना होगा महंगा, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में हो सकता है इजाफा। सड़कों पर गाड़ी चलाना अब और महंगा होने जा रहा है। दरअसल सरकार एक बार फिर महंगाई का झटका देने जा रही है। सरकार 1 अप्रैल से NHAI टोल की दरों में 5-10% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल एक्सप्रेसवे पर ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाता है। आपको बता दें कि कार और हल्के वाहनों के लिए टोल दरों में 5% की बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि भारी वाहनों के टोल टैक्स में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों के अनुसार हाल ही 20,000 वाहनों की आवाजाही प्रतिदिन होती है, जो आगे आने वाले समय में लगभग 50-60,000 वाहन प्रतिदिन हो जाएगी। इन सब को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। भगोड़े नित्यानंद के कैलासा को मिला खास दर्जा, छिन गया। अमेरिकी शहर के प्रशासन ने कहा, धोखे से करवाया गया था एग्रीमेंट। भारतीय भगोड़े नित्यानंद के तथा कथित देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की खबरें आप सभी ने कभी न कभी तो सुनी होंगी। कैलासा को नित्यानंद और उसके प्रतिनिधि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं। उसके प्रतिनिधियों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, नित्यानंद ने अब हिंदुओं के लिए कैलासा की नागरिकता देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन ये कैलासा है कहाँ पर? दुनिया के नक्शे में इसकी बसावट की कोई तस्वीर नहीं दिख रही है, जबकि आए दिन नित्यानंद के सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट डालते हुए रहते हैं। इसी तथा कथित देश कैलासा से जुड़ा हुआ एक बड़ा एग्रीमेंट एक अमेरिकी शहर के प्रशासन ने रद्द कर दिया है। दरअसल अमेरिका के शहर नेवार्क ने अपना सिस्टर सिटी एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। और ऐसे एग्रीमेंट पर नेवार्क की प्रेस सचिव सुजैन गैरोफलो ने पछतावा भी जताया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें कैलासा की परिस्थितियों के बारे में पता चला, हमने एग्रीमेंट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट धोखे से किया गया था। नेवार्क ने कैलासा के साथ हुए सिस्टर सिटी एग्रीमेंट के रद्द होने पर अब कैलासा से खास दर्जा छिन गया है। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला अब गर्माता जा रहा है। दरअसल विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन कार्रवाई से ऐसा लगता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। चिट्ठी लिखने वालों में अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव का नाम शामिल है। प्राइवेट नौकरी करने वालों को लगेगा झटका, पीएफ पर ब्याज और होगा कम। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर को लेकर इसी महीने फैसला होने जा रहा है। ऐसी आशंका है कि पीएफ पर ब्याज को चालू वित्त वर्ष के लिए और कम किया जा सकता है। ये खबर इस कारण निराशाजनक है क्योंकि अभी पहले से ही पीएफ पर 43 साल में सबसे कम ब्याज मिल रहा है। अभी ईपीएफओ के 6.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं अभी ईपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर है।
है। ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए पीएफ के ब्याज की दर 8.1% तय की थी, जो कि 1977-78 के बाद पीएफ पर ब्याज की सबसे कम दर है। इससे पहले 2020-21 में पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुस्लिम जज ने कहा, नरक में सड़ता है गाय की हत्या करने वाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीम अहमद ने एक गाय की हत्या करने और मांस की बिक्री के आरोपी की एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि गाय की हत्या करने वाले व्यक्ति नरक में सड़ते हैं। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने और गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी अपील करते हैं। जस्टिस अहमद ने आरोपी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। घर से भागे इमरान खान लाहौर के जमान पार्क में गरजे, पुलिस पार्क के बाहर कर रही है उनका इंतजार। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान लाहौर में अपने जमान पार्क आवास पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं, जबकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाहर मौजूद थी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि वे उनके घर गई थी, लेकिन वे घर पर उपलब्ध नहीं थे। वे कुछ घंटे बाद लाहौर में दिखाई दिए। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान के कर्ज में डूबे होने के बाद बदतर हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार को ठहराया। इमरान ने कहा कि दुनिया में कटोरा लेकर कर्ज मांगते हुए सरकार ने पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी करवा दी है। उन्होंने हाल ही में जेल से रिहा होकर आए अपनी पार्टी के नेताओं को अपने संबोधन में टाइगर की संज्ञा दी। इससे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची थी। इमरान खान पर तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। दरअसल तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां पर अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्र प्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले हुए उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्रा के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे, जिसे इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था। लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबरें झूठी, चेन्नई पहुंची सीएम नीतीश कुमार की टीम। बीते दिनों तमिलनाडु के कई इलाकों में बिहार के मजदूरों के साथ हुई कथित मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि मारपीट का वीडियो फर्जी है। मारपीट के वायरल वीडियो के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजने का फैसला किया था। बिहार एसोसिएशन ने चेन्नई में कथित हमलों की अफवाहों के बीच बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान एक प्रवासी मजदूर ने कहा कि सभी खबरें झूठी हैं, हम लोग यहाँ अच्छे से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पुराना है, इसलिए सब डर गए हैं। व्हाट्सएप में जल्द मिलेंगे डुअल पैनल इंटरफेस और स्पैम नंबरों को साइलेंट करने वाले फीचर। व्हाट्सएप एक नया फीचर तैयार कर रही है। इसके जरिए यूजर्स अनजान नंबर से आने वाली कॉल को म्यूट कर सकेंगे। हालांकि यूजर्स की कॉल लिस्ट और नोटिफिकेशन में वो नंबर दिखता रहेगा। इससे व्हाट्सएप यूजर्स अनचाही कॉल और स्पैम कॉल से छुटकारा पा सकेंगे। यह नया फीचर व्हाट्सएप अपडेट के जरिए यूजर्स को मिलेगा। इस फीचर को व्हाट्सएप सेटिंग में जाकर एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक बार एक्टिवेट करने पर अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल अपने आप साइलेंट हो जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में स्पैम कॉल, स्कैमर और अनचाही फोन कॉल्स की संख्या बढ़ गई है। व्हाट्सएप पर भी ऐसी कॉल्स की भरमार है। स्पैम कॉल के जरिए लोगों की जानकारी चुराने, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ डेटा इकट्ठा करने का काम किया जाता है। व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल करने वालों को ब्लॉक और रिपोर्ट करने का ऑप्शन पहले से ही है। यूजर्स इन कॉल से डिस्टर्ब न हो, इसके लिए अब म्यूट फीचर दे दिया गया है। यूपी में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज से सभी का इंजेक्शन, बच्ची हुई एचआईवी संक्रमित। बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटा में अवंतीबाई लोधी राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक बच्ची के एचआईवी संक्रमित होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक ही सिरिंज से कई बच्चों के इंजेक्शन लगाने की वजह से उनकी बच्ची के एचआईवी संक्रमित हुई है। उन्होंने कहा कि बच्ची के एचआईवी से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और आधी रात को बीमार बच्ची को जबरन भगा दिया। जानकारी के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर एटा के डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी स्कूल में सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर, स्कूल प्रशासन के एक सदस्य पर हुई FIR। खबर है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में एक सरकारी स्कूल के मेन गेट पर पोस्टर चिपकाने और स्कूल गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया के बैनर लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कोऑर्डिनेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR के मुताबिक कोऑर्डिनेटर गजाला ने शास्त्री पार्क में सर्वोदय कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ मिलकर स्कूल के मेन गेट पर कुछ मेज की व्यवस्था करने के लिए छात्राओं से कहा और सिसोदिया का एक बड़ा पोस्टर चिपका दिया। गजाला के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय और सिक्किम में कुछ स्थानों में हिमपात संभव है। राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में एक दो जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। आज का सुविचार, नज़रअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहने के लायक है आपके पीछे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।